हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सॉल्ट ऑफ लाइफ। और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंस्टेंटली बनने वाली रेसिपी, इंस्टेंट डोसा रेसिपी। बहुत कम और कॉमन इंग्रेडिएंट्स से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे और खाने में इतनी टेस्टी और इतनी क्रिस्पी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह के ब्रेकफास्ट में जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं इसे बनाती हूँ और सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए मैंने लिया एक बोल और उसमें लिया है एक कप चावल आटा। चावल आटा आराम से या तो मार्केट में मिल जाएगा, आप घर पे भी इसे पीस कर तैयार कर सकते हैं। अब उसमें मैंने डाला एक मीडियम साइज़ अनियन बिल्कुल बारीक काट कर, दो हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें बारीक काट कर। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में मैंने डाल दिया बारीक काट कर धनिया पत्ती। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा खड़ा ज़ीरा। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो जो इसका बैटर का कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो पानी हम इतना डालेंगे कि बिल्कुल एक पतला फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा तैयार हो जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसका। और याद रहे, जब भी हम चीला बनाएंगे हम अच्छे से घोल को मिक्स करते हुए बनाएंगे, नहीं तो चावल आटा जो है वो नीचे बोल में सेटल होते जाता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे तवे पर डालेंगे। तो एक तरफ हमारा तवा भी बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब देखिए इसके डालने का प्रोसेस। इसमें हम बिल्कुल नॉर्मल डोसा जैसे स्प्रेड नहीं करेंगे, मैंने मेजरमेंट कप लिया है। आप चाहे कोई भी नॉर्मल कटोरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसे डालने के लिए। और बस इसे इसी तरह से हमें बिल्कुल ऐसे ही डोसा को जो बैटर है उसे तवे पर डालना है और जो जालियाँ बनती हैं उन्हें फिल नहीं करना है, उन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से हमने डाल दिया है। और अब तेल या घी आप जो प्रेफर करते हैं वो डाल लें और अच्छे से जब तक नीचे से हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए डोसा को सिकने दें। ये देखिए हमारा डोसा नीचे से बिल्कुल अच्छे से सिक गया है और अब इसे हम तवे से उतार लेते हैं। देखिए देखने में ये कितना क्रिस्पी एंड टेस्टी लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे अपलोडेड वीडियोज़ आप तुरंत वॉच कर सकें। थैंक यू।